हेलो गाइस, हम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। सो एज यू नो दैट हमें जाना था आउट ऑफ इंडिया और अभी मैं बैठी हुई एयरपोर्ट पे। हमारा चेक इन कम्प्लीट हो चुका है और मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ एक वीडियो एडिट करके आप लोगों को फॉरवर्ड कर दी जाए, क्योंकि सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आजकल आप यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो डालते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो डाल दूँ आप सबके लिए। तो दैट्स वाई अभी क्या है, रिक्वेस्ट यही है कि गाइस जिस जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है हमारे चैनल में, फर्स्ट व्यूवर हो आप, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारी वीडियो आ सके और जब भी हम लाइव आए तो भी आपके पास हमारी वीडियो आ सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो का ट्यूटोरियल। सो गाइस, ये हमारे क्लाइंट के नेल्स हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि कर्व नेल है और इनका जो नेल बेड है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और हेल्दी नेल है। तो यहाँ पर हम अपना वर्क करेंगे। सबसे पहले पुशर की हेल्प से हमने पुश कर लेना है, फ्री एज एरिया को इस तरीके से नीट कर लेना है हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से, और जैसे कि टिप हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखी हुई है। तो नेचुरल नेल के अकॉर्डिंग जो है गाइस, हमेशा आप टिप पहले सेलेक्ट करके रखना है। तो हमने ये लॉक वाले टिप्स यूज़ करने जा रहे हैं, ये हमेशा अटकती हैं जब आप नेल के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करना है, ब्लॉब ऑफ करने के बाद पूरे नेल को हमने ड्राई कर लेना है ब्लॉब ऑफर की हेल्प से। और नेल को ड्राई करने से पहले हमने कभी भी टिप नहीं लगानी, हमेशा बाद में ही लगानी है, क्योंकि ड्राई सरफेस के ऊपर ज़्यादा अच्छी नेल आर्ट टिकती हैं। सो मेक श्योर कि हमेशा आप अपने ब्लॉब ऑफर की हेल्प से इस तरीके से पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ब्लॉब ऑफ कर लेना। एंड ब्लॉब ऑफ करने के बाद हम हमारी ग्लू की हेल्प से हमारे नेल के लॉकिंग एरिया के टिप के ऊपर जो है ग्लू अप्लाई करेंगे, जहाँ पर लॉक होता है सिर्फ इतने एरिया पर ही, और इसे जो है हम नेचुरल नेल के ऊपर पेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई बबल क्रिएट नहीं हुआ है और ये आराम से कुछ सेकंड्स के लिए आप होल्ड करके रखेंगे तो साइड्स भी अच्छे से कवर हो जाती हैं यहाँ पे प्रॉपरली। साइड के अकॉर्डिंग मेक श्योर कि आपकी टिप जो है बिल्कुल सीधी आए, परफेक्ट साइज लगे, और इधर की साइड भी आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगी है। मैं टिप क्लिपर की हेल्प से लेंथ को कट कर रही हूँ, तो जितनी हमें लेंथ चाहिए उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ को ही हमेशा कट करना है, ताकि आपके टारगेट लेंथ जो है बफिंग के बाद एंड शेप करने के बाद मिल सके। अब हम इसे जैसे कि ये टिप जो है अटकते, इसे हम ब्लेंड करेंगे नेचुरल नेल में, मर्ज करेंगे, क्योंकि इसका जो कॉर्नर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट स्टे नहीं करता। तो मेक श्योर इसे अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है, साइड्स नीट कर लेनी है एमरी बोर्ड की हेल्प से। और जैसे कि आज हम जो शेप बनाने वाले हैं आलमंड शेप, तो इस तरीके से हम अपने एमरी बोर्ड की हेल्प से ही पहले फ्री एज एरिया को राउंड करेंगे एंड धीरे धीरे इसके साइड के कर्व्स को हमारी स्माइल लाइन तक नीचे लेकर जाएंगे, ताकि हमें प्रॉपर शेप जो है मिल सके। मेक श्योर आप दोनों तरफ से जब एमरी बोर्ड चलाएं तो इक्वली चलाते रहे, ताकि एक तरफ से टेढ़ा या एक तरफ से कम बफिंग ना हो, नहीं तो आपको पूरी टिप रिमूव करनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर आपने हमेशा दोनों साइड से इक्वली वर्क करना है, जिससे कि आपको प्रॉपर शेप मिल जाए। पूरे नेल को हम ब्लॉब ऑफ करेंगे हमारे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से, अगेन पूरे के पूरे टिप एरिया और साथ साथ नेचुरल नेल के एरिया को भी हम अच्छे से साइड से भी, क्यूटिकल एरिया से भी और फ्री एज एरिया से भी अच्छे से ब्लॉब ऑफ करके ड्राई कर लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड डिहाइड्रेटर, तो यहाँ पर डिहाइड्रेटर अप्लाई करेंगे जिसे हम प्राइमर भी बोलते हैं। तो जहाँ पर हमारा नेचुरल नेल होता है सिर्फ वहीं पर अप्लाई करना है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हमारा जेल, हार्ड जेल विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर, और इसे हम पूरे के पूरे नेल पर बिल्कुल पतला पतला करके अप्लाई कर देंगे। मेक श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्यूटिकल एरिया में या साइड वॉल में ना जाए, और इसे हम क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद अब हम बिल्डर अप्लाई करेंगे सेम हमारी हार्ड जेल की हेल्प से विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर, तो थोड़ा थिक करके जेल अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारी टिप का एरिया उठा हुआ है उसके नेचुरल नेल के हिसाब से लेवल इक्वल हो जाए। और इसे भी सभी नेल्स पर एक साथ अप्लाई करके क्योर करा देंगे। एंड इसे भी क्योर कराने के बाद गाइज एक बार और हम यहाँ पर बिल्डर अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेल की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट बिल्डर हमारा लेवल इक्वल करता है एंड सेकंड बिल्डर जो है हमारा इसे स्ट्रेंथ देता है। तो मेक श्योर कि थोड़ा थिक करके ही जेल अप्लाई करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ टिक सके। तो क्योर कराने के बाद अब मैं कर रही हूँ जेल वाइप से क्लियर पूरे के पूरे नेल को अच्छे से जेल वाइप के साथ में। यहाँ पर हम एसीटोन फ्री और लिंट यूज़ कर रहे हैं, उससे पूरे नेल को वाइप करेंगे। और अब मैं करने जा रही हूँ एमरी बोर्ड के साथ में बफिंग, तो यहाँ पर हम 100x100 का एमरी बोर्ड यूज़ करेंगे, जिससे कि पूरे के पूरे नेल की फाइलिंग हो सके, जितने भी हमारे डंट्स एंड बम्स बने हैं जेल के, हमारे कहीं पर ऊपर नीचे हुआ है जेल, तो वो सारा के सारा बफिंग करके हम इसके पूरे नेल का लेवल जो है इक्वल कर देंगे, ताकि हमारे नेल में बिल्कुल भी डंट्स बम्स ना रहें और जब हम इसके ऊपर कलर एप्लीकेशन करें तो वो एकदम स्मूथ फिनिशिंग मिले। और अब मैं पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ब्लॉब ऑफ करूँगी, तो ब्लॉब ऑफ करने के बाद जो है पूरे के पूरे नेल का रीज़न यही होता है कि जितना भी एमरी बोर्ड से हमारे स्क्रैचेस बने हैं, स्क्रैचेस हमारे नीट हो जाएंगे और हमारे जो सरफेस है नेल का वो और ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो कलर एप्लीकेशन रहेगी उसमें कोई भी
अनइवन लुक नहीं आएगी, जिससे कि हमारा सरफेस हमें और ज़्यादा अच्छा और स्मूथ मिल सके। तो मेक श्योर आपने अच्छे से ब्लोबफर की हेल्प से ब्लॉब ऑफ करना है सभी नेल्स को। और अब बारी है हमारे कलर एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे, बिल्कुल पतली पतली करके कोट जो है अप्लाई करेंगे। मेक श्योर आपकी कोट जितनी ज़्यादा पतली होगी गाइज, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी। एंड मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट जो है अगेन क्यूटिकल एरिया में या फिर साइड वॉल्स में ना जाए। सो गाइज, जैसे कि हमारे जो डिज़ाइन की डिमांड है, यहाँ पर हम तीन नेल्स में प्लेन कलर लगाएंगे, ब्लैक कलर। एंड इसके बाद में बिकॉज हमारा डिज़ाइन बनना है इसके ऊपर, तो हमारा जो बेस रहेगा वो ब्लैक रहेगा। एंड बाकी जो हमारे दो नेल बचे हैं, जैसे कि इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, यहाँ पर मैं नेचुरल पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ जेल पॉलिश का। बिल्कुल पतला पतला कोट अप्लाई करूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कहीं पर भी पैचेस नहीं बन रहे हैं इस कलर के। और इसे अप्लाई करने के बाद हम क्योर करा देंगे। सो फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश। अगेन सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश को हम जो है बिल्कुल पतला पतला करके ही अप्लाई करेंगे। बिल्कुल भी थिक जेल पॉलिश आपको नहीं लगानी है, नहीं तो ये रबड़ की तरह पैचेस बनके रिमूव हो जाएगी। तो मेक श्योर जितनी पतली आप कोट लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और नेल्स की स्ट्रेंथ भी उतनी अच्छी मिलेगी। तो नेचुरल पिंक के साथ साथ हम ब्लैक वाली जो जेल पॉलिश वाले नेल्स हैं वहाँ पर भी हम अपनी सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई कर देंगे ब्लैक कलर की। मेक श्योर अगेन आपको पतला पतला करके ही अप्लाई करना है। एंड आप देख सकते हैं हमारी जेल पॉलिश की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। सेकेंड कोट में ये हमें 100% कवरेज दे रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको थर्ड कोट भी अप्लाई करनी पड़ती है। तो मेक श्योर कि आपकी जो कवरेज है प्रॉपर हो जाए। तो ये क्योर हो चुका है। क्योर करने के बाद हमारी इंडेक्स फिंगर और जो हमारी रिंग फिंगर है, यहाँ पर हमें डीप कर्व फ्रेंच बनाना है हमारी ब्लैक जेल पॉलिश के साथ में इस तरीके से। तो मेक श्योर आपका जो फर्स्ट कोट है बिल्कुल पतला पतला ही लगे। यहाँ पर अगेन हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने थिक अप्लाई किया तो हमारा ये जो जेल पॉलिश है ये ऊपर से तो क्योर हो जाएगा लेकिन डीपली क्योर नहीं होगा, जिससे कि ये पैच बन के थोड़े ही दिनों में रिमूव हो जाएगा। तो इसे क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद अगेन मैं यहाँ पर सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक की। तो डीप कर्व फ्रेंच बना देंगे हम अगेन और पतली पतली कोट करके ही अप्लाई करेंगे। और इसे भी हम अप्लाई करने के बाद क्योर करा देंगे। सो गाइस, हमारे डिज़ाइन का बेस पूरा रेडी हो चुका है। और अब मैं इसके ऊपर यूवी टॉपकोट अप्लाई कर रही हूँ, हाई शाइन यूवी टॉपकोट अप्लाई करूँगी। सभी नेल्स के ऊपर जो है इक्वली जो है अप्लाई करेंगे हम अपना कोट और इसे जो है क्योर करा देंगे। तो यूवी टॉपकोट लगाने का रीज़न यही है गाइस, क्योंकि हमारे जो इसके बाद का डिज़ाइन है वो सारा पिगमेंटेड एंड क्रोम डिज़ाइन है। तो अब मैं ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ पूरे के पूरे नेल को अच्छे से, क्योंकि हमारा जो यूवी टॉपकोट है उसने हमारे नेल को एक कोट दे दी है शाइन की, जिससे कि हम जब ब्लॉब ऑफ करते हैं तो ब्लैक जेल पॉलिश भी हमारी रिमूव नहीं होगी और नेचुरल पिंक कलर भी रिमूव नहीं होगा, और जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट डिज़ाइन हमने बनाना है वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मेक श्योर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एमरी बोर्ड का यूज़ नहीं करना है और ना ही हार्ड ब्लॉबफर का यूज़ करना है, सिंपली आपको सॉफ्ट ब्लॉबफर का यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं इस पूरा नेल जो हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैं वाइट कलर की जेल पॉलिश के साथ में यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, अपने स्ट्रोक्स दे रही हूँ मेरे ब्रश आर्ट की हेल्प से। तो इस तरीके से थोड़ा थिक थिक स्ट्रोक्स करके ही अप्लाई करूँगी। और इसे अप्लाई करने के बाद साइड से अच्छे से कवर करने के बाद क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा डल गोल्डन क्रोम कलर। तो यहाँ पर आप क्रोम की शाइन देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन का डिमांड है यहाँ पर हमें गोल्डन कलर को हाईलाइट करना है अच्छे से विद मल्टी कलर्स। तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पर गोल्डन कलर अच्छे से फिल करना है, तो दैट्स व्हाई मैंने वाइट जेल पॉलिश का यूज़ किया। एंड एक्स्ट्रा डस्ट को क्लीन करने के बाद जो है जो इनर कॉर्नर एरिया है यहाँ पर मैं वाइट जेल पॉलिश का थोड़ा थिक लेयर करके अप्लाई करूँगी। और थिक लेयर अप्लाई करने के बाद इसे प्रॉपरली फिल कर देंगे ताकि हमें सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश ना देनी पड़े। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक कोट के साथ ही अपना वर्क करेंगे, सेकेंड कोट यहाँ पर हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी ने इस पर हमने जहाँ जहाँ पर जो कोट देनी है वहाँ पर हमने कोट दे दिया है। और जैसे कि रिंग फिंगर पर और इंडेक्स फिंगर पर हमने यहाँ पर रोजेस क्रिएट करने हैं, तो एक साथ ही सभी नेल्स के ऊपर ही अपना वाइट जेल पॉलिश के साथ हम अपना वर्क कर लेंगे। और इस तरीके से मैं रोजेस के स्ट्रोक्स बना दूंगी मेरे ब्रश आर्ट की हेल्प से ही। आप देख सकते हैं ये अपना प्रॉपर जो लुक है, इसकी जो स्ट्रोक्स हैं आपको मिडल से थिक एंड आउटर एरिया से बिल्कुल पतले बनाने होते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरे के पूरे नेल पर जहाँ जहाँ पर वाइट जेल पॉलिश देनी थी वो मैंने दे दिया। और इसे अप्लाई करने के बाद मैं इसे क्योर करा दूंगी।
सो गाइज हमारी वाइट जेल पॉलिश क्योर हो चुके हैं। क्योर होने के बाद यहाँ पर मैं पिगमेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर एंगुलर ब्रश लेना आप तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, उससे हमारा जो पिगमेंट है बहुत ही कम क्वांटिटी में पिक होता है और इजीली अप्लाई भी हो जाता है। तो वन बाय वन करके यहाँ पर जो हम शेडिंग की लुक में देंगे अपने पिगमेंट्स, पहले मैंने नियॉन ग्रीन दिया है और मैं ब्लू कलर दे रही हूँ, एंड इसके साथ साथ जो है हमारा पिंक कलर एंड ऑरेंज कलर एंड हमारा येलो ऑरेंजी कलर देंगे, ताकि जो इसकी लुक है वो मल्टी कलर की लुक आ सके। और जैसे कि हमारी जो जेल पॉलिश है वो क्योर हो चुकी है, तो हमारे पिगमेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से उसके ऊपर चिपकते जा रहे हैं, और ये कलर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एनहांस होकर दिख रहे हैं, क्योंकि जो पिगमेंट के कलर्स होते हैं अदरवाइज़ क्या होता है इतना अच्छा लाउड लुक नहीं आता है। सो मेक श्योर आपकी वाइट भी कोट जो है आपने थिक करके थोड़ी देनी है, लेकिन इतनी थिक नहीं कि वो बबल बन के निकल जाए पैच बन के, लेकिन इतना भी कम नहीं कि आपका जो पिगमेंट है वो उसके ऊपर से फिसल के निकल जाए। एंड बाकी जहाँ पर हमने क्रोम किया था, क्रोम के साथ साथ भी हमने वाइट जेल पॉलिश जहाँ पर दी थी, यहाँ पर भी इस तरीके से हम अपने पिगमेंट का वर्क कर लेंगे। सो गाइज़, अगर आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी एकेडमी न्यू दिल्ली में है, एंड हमारे पास परमानेंट नेल एक्सटेंशन की प्रोफेशनल क्लासेस अवेलेबल हैं, साथ में आई लैशेस की, माइक्रो ब्लेडिंग, परमानेंट लिप कलर एंड साथ साथ हेयर एक्सटेंशन की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। पिगमेंट का वर्क पूरा कंप्लीट करने के बाद अब मैं दोबारा वाइट जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर हम ज़ीब्रा प्रिंटिंग की तरह जो है स्ट्रोक्स देंगे हमारे ब्रश की हेल्प से, ताकि इसके साथ ये मर्ज होता हुआ दिखे और ऐसे लगे कि पूरा नेल जो है कवर अप हो रहा है। तो साइड से हमें जो है मोटा करना है अपने ब्रश का स्ट्रोक, और साइड्स आते आते जो है पतला, तो सेंटर में से मोटा हो गया है आप देख सकते हैं, और डीप कर्व फ्रेंच को भी हमने क्योर करा दिया। क्योर कराने के बाद सभी नेल्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे यूवी टॉप कोट, तो हाई शाइन यूवी टॉप कोट हम अप्लाई करेंगे। सो ये जो यूवी टॉप कोट है हमारे पिगमेंट को भी सील कर देगी, हमारी वाइट ब्रश आर्ट को भी, और हमारे पूरे नेल एक्सटेंशन का वर्क भी पूरा कंप्लीट कर देगी, एंड और ज़्यादा अच्छी शाइन लुक देंगे। तो क्योर कराने के बाद अभी हमारा एक और वर्क इसमें ड्यू है, तो यहाँ पर हम जो है वाइट जेल पॉलिश के बाद में एक बार और स्ट्रेंथ देंगे, जैसे कि हमारे जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं आप देख सकते हैं कलर के ऊपर स्ट्रोक्स आएंगे, ताकि इसमें वाइट की लुक जो है और अच्छे से एनहांस होकर आ सके, और जो रोज़ हैं जैसे कि अनटाइडी लग रहे हैं अकेले ब्लैक के साथ, वो उससे और अच्छे से हाईलाइट होकर आ सके। तो इसे क्योर कराने के बाद जो है हम अगेन इसके ऊपर यूवी टॉप कोट अप्लाई करेंगे। सो गाइज, जैसे कि आपने देखना हमने इस नेल आर्ट में 3 times यूवी टॉप कोट लगाई है, एंड बाकी 3 nails में 2 times। तो क्योर कराने के बाद आइए देखते हैं हमारी नेल आर्ट की फुल एंड फाइनल लुक। सो ये है हमारी फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज आपको हमारी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपके पास हमारी नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर आपको वीडियो में सच में कुछ सीखने को मिला, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।